कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ था। इस कार्यक्रम में आसनसोल से भाजपा सांसद और केंद्र पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। सुप्रियो का यहां गाने गाने का एक कार्यक्रम था। वामदल समर्थित छात्र संगठनों की तरफ से इस कार्यक्रम का बायकॉट किया गया था। SFI और आईसा के सदस्य केंद्र मंत्री का कैंपस में आने का विरोध कर रहे थे। केंद्र मंत्री और छात्रों के बीच बवाल के बाद अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि केंद्र मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अखबार के संपादक को फोन करके उनके लिए लिखे गए एक हेडलाइन के लिए अखबार को माफी मांगने को कहा और साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया कि संपादक के यह कहने पर कि अखबार में माफी मांगने लायक कुछ भी नहीं छपा है, भाजपा नेता नाराज हो गए और कहा कि अखबार बिक गया है। बाबुल सुप्रियो ने उनके खिलाफ नारेबाजी करने वाले छात्रों को धमकी दी। वहीं सामने एक वीडियो में वे यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरंजन दास को गुस्से में चिल्लाते देखे जा रहे हैं। शुक्रवार को टेलीग्राफ ने एक फोटो छापा था जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में सुप्रियो एक छात्र की शर्ट खींच रहे थे। इस तस्वीर के साथ अखबार ने बाबुल एट JU हेडलाइन लगाई थी। अखबार ने तस्वीर के साथ लगाए गए कैप्शन में लिखा था कि एक छात्र की शर्ट खींचते सुप्रियो। अखबार की यही तस्वीर हेडलाइन और कैप्शन सुप्रियो को आपत्तिजनक लगी। इसके बाद शनिवार को केंद्र राज्य मंत्री ने जाधवपुर यूनिवर्सिटी में उनकी भूमिका को गलत तरीके से पेश करने के खिलाफ ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अगर अखबार कल माफी नहीं मांगेगा तो वे उस पर झूठी एक पक्षीय रिपोर्ट देने के लिए मुकदमा करेंगे। अखबार के अनुसार राजगोपाल ने सुप्रियो से कहा कि कोई माफी नहीं मांगी जाएगी और सुप्रियो चाहे तो एक कानूनी नोटिस या पत्र भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। कथित तौर पर सुप्रियो ने राजगोपाल को यह भी बताया कि वे पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।